हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेल एनआर में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी कि रेस ऐप में अपना मोबाइल नंबर, जीमेल और पासवर्ड और इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं खुद से और अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन कर दें ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएं तो आपके पास नोटिफिकेशन वैसे ही पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर रेस ऐप के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला है, तो दोस्तों वहाँ से आप जाके देख सकते हैं या मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप बायोडाटा अपना चेक करना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक अपने आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको रेस ऐप ओपन कर लेना है और उसमें आपसे दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको पासवर्ड और एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है दोस्तों। और आपका पासवर्ड दोस्तों अगर चेंज नहीं किए होंगे तो आपका वो OTP जो पासवर्ड था वही होगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम फिल करके साइन अप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय नंबर और पासवर्ड इंटर कर लिए हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा साइन अप हो गया है अकाउंट। तो दोस्तों, आपको कॉर्नर पे 3 लाइन आपको दिख रही होगी दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे नाम और इमेज अगर लगाए हुए हैं तो शो करने लगेगा। तो इसी में आप नीचे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर कुछ भी, जैसे मेरा नहीं चेंज करना है दोस्तों, इसलिए मैं अपना नहीं चेंज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ दोस्तों सिर्फ। तो आप ऐसे मोबाइल नंबर डाल के आप जैसे ही अपडेट पे करेंगे तो दोस्तों कुछ देर के बाद आपका अपडेट यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करने लगेगा। फिर उसी तरह दोस्तों आप बैक आ जाएंगे, फिर नीचे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको जीमेल का भी ऑप्शन उसी तरह आएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है दोस्तों कि इंटर न्यू जीमेल आईडी और कंफर्म न्यू जीमेल आईडी। तो यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही जीमेल एंटर करेंगे दोनों में, उसके बाद अगर अपडेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, जो पहले था वो चेंज होके जो न्यू डालेंगे वो अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों, आप उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड भी दिख रहा होगा दोस्तों, तो पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे मांगेगा यहाँ पे सबसे ऊपर आपसे करंट पासवर्ड मांगेगा दोस्तों, जो आपका अभी का पासवर्ड है फिलहाल, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे इंटर न्यू पासवर्ड दे रहा है और उसके नीचे कन्फर्म न्यू पासवर्ड, यहाँ पर जो पासवर्ड आपको बनाना है दोस्तों वो चीज़ यहाँ पे वो पासवर्ड आप डालिएगा दोस्तों। तो आप वहाँ पे डालने के बाद जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, फिर दोस्तों बैक आ जाते हैं। उसी तरह दोस्तों देखेंगे यहाँ नीचे आपको इमेज का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है दोस्तों, इमेज साइज शेड्यूल भी बिटवीन 10K x 100K। तो दोस्तों इसका मतलब यह है आपका कि आपको 10 KB से लेके और 100 KB के अंदर का ही फ़ोटो चूज करना है दोस्तों। तो उसको वो चूज करने के बाद यहाँ जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड इमेज करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पे सारा गैलरी खुल जाएगा, यहाँ से आप जो इमेज चाहते हैं वो इमेज आप लगा सकते हैं। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको भी बैक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा होगा, रिसेंट एक्टिविटीज़। तो
इसको आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है दोस्तों, देखिए ऊपर कि माय रिसेंट ऑनलाइन एक्टिविटीज़। तो इसमें दोस्तों आपको ये दिखाएगा कि आप कब अपना जीमेल यूज़र आईडी एंटर किए हैं, रजिस्ट्रेशन डेट आपका दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा, जीमेल आईडी दिखा रहा है दोस्तों, फिर लास्ट पासवर्ड चेंज जब आप चेंज किए होंगे लास्ट टाइम पासवर्ड वो दिखाएगा दोस्तों, फिर लास्ट लॉग आउट जो किए होंगे दोस्तों जिस टाइम और जिस डेट को, वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए इसको भी बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जीमेल, पासवर्ड, इमेज और रिसेंट एक्टिविटीज़ देख सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो कोई भी लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।